वासिफ इज हियर विद सीक्रेट ऑफ स्पाइसेस। आज मैं बनाऊंगा लच्छा पराठा, बहुत ही सिंपल और आसान और बहुत ही टेस्टी। करारे और एक एक लेयर अलहदा होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए जो चाहिए मैं आपको बताता हूँ। 3 कप मैदा, आप इसमें नॉर्मल आटा भी डाल सकते हैं, और 4 खाने के चम्मच मिल्क, 1 खाने का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच सॉल्ट, 1 से 2 कप पानी इसमें नीम गरम, और घी हमें चाहिए 3 से 4 चम्मच। प्यारे प्यारे व्यूअर, शुरू करते हैं पराठा बनाना। सबसे पहले पानी को और नमक और चीनी को डाल के मिक्स करेंगे, उसके बाद हम आटा डालेंगे और इसको धीरे धीरे पानी डालकर इसकी डो तैयार करेंगे। आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं, मेरे पास मशीन है तो मैं मशीन में शुरू करता हूँ। एक कप अंदाजन मैंने डाल दिया, अब इसको धीरे धीरे हम पानी डालेंगे। जी व्यूअर्स, 5 से 6 मिनट तक इसको मशीन में गूंदा। आप हाथ से जब गूंदेंगे तो उसमें भी इतने वक्त लगेगा, सारा कुछ मिक्स करें। इसके बाद इसको हमने रूम टेम्परेचर में ढक के आधा घंटा रखना है ताकि हमारा आटा नरम हो जाए, और उसके सरफेस पे हमने ऑयल यूज करना है, घी यूज करना है। अपने हाथों को घी लगा के देखें, जबरदस्त हमने डो तैयार कर ली है। 20 मिनट इसको हो गए हैं तकरीबन। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, लेकिन आपने खुश्क आटा अभी यूज नहीं करना, सिर्फ घी या ऑयल को आपने हाथ से और इसके ऊपर आपका जो सरफेस है इस पे। अब इसके ऊपर घी लगा हुआ है, अभी आपने सूखा आटा नहीं लगाना, इसको हम बहुत बारीक बेलेंगे ऑयल लगा के। और थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा सूखा आटा भी डालेंगे, ज्यादा नहीं, बस प्यार से हल्के हल्के, ताकि हमारी जो लेयर्स हैं वो बाद में सेपरेट हो जाए। बहुत ही सिंपल इसको ऐसे करके हाथ से, ये
ये देखे, बड़ा इजी मूव हो रहा है, खुद ब खुद ये बनता जाएगा। आपको कोई मेहनत इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, कोई इसके पीसेस नहीं करने हैं आपने। और इसका सिरा आपने यहाँ पे रखना है दो उंगलियों में, और इसको ऐसे इसका जो आखिरी है इसको अंदर करके ऐसे, ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया। अब सारे पेड़े ऐसे ही बनाते हैं। सो वीवर, इसको मैंने ढक दिया 10 मिनट के लिए। आपने इनको बड़े प्यार से रख देना है। इसके बाद हम फिर फ्राई पैन में इसको तलते हैं और मज़े के पराठे बनेंगे इंशाल्लाह। सो इसको मैंने ऑयल लगा दिया नीचे भी ऊपर भी, और इसको हाथ से आपने बड़े प्यार से जो है ना ये खुलता जाएगा।